बंजारे मिलकर नाच गा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। आप सब अगर हमारे साथ खेलेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। अवश्य खेलेंगे। कृष्ण बलराम, तुम दोनों जैसे कईयों को असुरपति ने अतीत में परास्त किया। ये कोई मंत्र पढ़कर असुरों को बुला सकता है। इसको परास्त करने के लिए हमें इसको ये मंत्र बोलने से रोकना होगा। बलदाव, आज होली है, हम दोनों असुरपति के साथ होली खेलते हैं। आइए। अरे राधा, तुम कहाँ चली गई थी? क्या हमारे संग होली नहीं खेलनी? यहीं इन्हीं वनों से एक एक करके खजाने गायब हो रहे हैं। कुबेर महाराज ने इन खजानों की निगरानी और सुरक्षा का कार्यभार हम यक्षों को सौंपा था। यदि उन्हें अंदेशा भी हो गया कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो समूचे देवगण के सामने हमारी बहुत निंदा होगी। आपको किसी प्रकार की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसके लिए हम दोनों स्वयं खजानों की निगरानी करेंगे और उनकी पुनः प्राप्ति में आपकी सहायता भी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, परंतु हमारे पहरे के होते हुए ये खजाना खाली कैसे हो गया? जमीन पर ये निशान, ये तो नागों के रेंगने के निशान है। ये सब मेरा है। मेरा मतलब हमारा है कद्रु देवी। खजाना तुम्हारा नहीं, कुबेर महाराज का है, जो तुम्हें इसी क्षण लौटाना होगा। चलिए बलदाव, आ,
मुझे खेद है कि मैं उस राक्षस की बातों में आकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। मेरे ये हजार नाग पुत्र जिस प्रकार उस राक्षस की सहायता करने के लिए खजाना उठा लाए थे, उसे वापस उसी जगह पहुंचा भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कद्रु देवी। धन्यवाद तो श्री कृष्ण और बलराम का करना चाहिए, जिन्होंने समय पर आकर न केवल कुबेर महाराज के खजाने को बचा लिया, परंतु मुझे भी पश्चाताप कर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। राधा, क्या हुआ? तुम्हारे फूल अभी तक उगे नहीं? कान्हा, कल प्रातः देखना, इन डालियों पर इतने फूल होंगे कि उनके वजन के कारण ये डालियाँ धरती तक झुक जाएंगी। वो दृश्य कितना सुंदर होगा। पर कान्हा, अभी चलो, हमें गाय चराने ले जानी है। हाँ चलिए बलदाऊ। बेहाल है, ये फल ही खा लेते हैं। फल फूल पत्ती तो खरगोश खाते हैं, हम जैसे राक्षस नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मत खाओ, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। खरगोश, पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि भूख के मारे शायद हमारे दिमाग ने काम करना कम कर दिया है, इसीलिए अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख से हम दोनों मर ही गए हैं और सीधा स्वर्गलोक पहुंच गए हैं? अरे वो सब बाद में विचार कर लेंगे, पहले कुछ भोजन तो कर ले। बलदाऊ, आप ये घंटी की आवाज सुन रहे हैं? लगता है कुछ गईयां उस ओर वन में भाग गई हैं। आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। हे, हमारी गैया कहाँ भगा लिए जा रहे हो? अब ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति है। गाय से पहले तो हम इन दोनों को खाएंगे। कृपया मेरी सहायता करें, मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ,
देवलोक की अप्सराओं की रानी एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाए केवल तभी मैं वापस स्वर्ग लोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी, कृपया आप बताइए हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है, कृपया मेरे साथ चलिए। वापस लौट जाओ, तुम आगे प्रस्थान नहीं कर सकते हो। हम यहाँ से वापस लौटने नहीं, कल्पतरु तक पहुँचने के लिए आए हैं। उन्होंने स्वयं को जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यहाँ से पर्वत के शिखर का रास्ता बहुत कठिन और लंबा है, कृपया हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। चमत्कारी वृक्ष, रंभा देवी साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी। जल्दी जाओ उठो और गेंद ढूंढ लो, वरना कोई जानवर कहीं उसे फल समझकर चबा न जाए। उधो की आवाज है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? देखो लगता है ये असुर जाग रहे हैं। चलो पेड़ के पीछे छिपकर देखें ये क्या करते हैं। नींद भी नहीं आ रही, और नींद आ भी जाए तो सपनों में भोजन देखकर फिर से खुल जाती है। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। इनके विशाल आकार प्रकार और इनकी बातें दोनों ही विचित्र हैं। इनके पीछे जाकर देखना ही उचित होगा कि ये किस प्रकार के भोजन पकवान ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा तो
ये है इन असुरों के खाने का स्रोत। बलदाऊ, ये पात्र जो इन्हें भोजन दे रहा वास्तव में देवों की संपत्ति है। कुछ समय पहले ये अक्षय पात्र देवों से चुरा लिया गया था और फिर बहुत खोज के बाद भी इसका कोई पता नहीं चल सका। मेरा है ये, अभी मुझे और खीर चाहिए। मेरे पास एक उपाय है, क्या दोनों एक साथ मांग कर देते हैं, फिर देखें क्या प्रकट होता है। ये ठीक है। खीर कचौरी। हमारा पात्र लौटा दे बालक। पात्र तुम्हारा नहीं, देवों की संपत्ति है जो मैं उन्हीं को लौटाऊंगा। छीन लो इसे। स्वर्ण मृग स्वयं देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, ये बहुत जादुई माने जाते हैं। जीवन में हमेशा हमने हमारा लक्ष्य प्राप्त किया है और आज हमारा लक्ष्य वो स्वर्ण मृग है। के स्वर्ण अमृत की हत्या का फल मधुर नहीं राजा, इसके लिए तुझे दंड जरूर मिलेगा। तेरा बेटा भी मेरी तरह ही अंतिम सांसें ले रहा है। श्री बलराम, प्रणाम। आप दोनों के बारे में हमने बहुत सुना है। प्रणाम, किंतु आप हैं कौन और क्या हुआ है? मैं वृंदावन के पास वाले राज्य का राजा हूँ। अहंकार के वश में आकर मैंने एक जादुई स्वर्ण मृग की हत्या कर दी। उस मृग के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर बन गया है। उसे केवल तपता पानी का पुण्य पानी ही जीवित कर सकता है। राजगुरु के आदेश से मैं अपने मंत्रियों के साथ तपता पानी तक पहुंच भी गया था, परंतु वहां एक अति भयंकर दैत्य है, जल दैत्य, जिसने हमारे जहाज पर आक्रमण कर दिया। मैं वहां से किसी भी तरह प्राण बचाकर यहां आ पहुंचा। ऐसे हाल में तपता पानी से पानी लेकर कैसे आऊंगा मैं और कैसे अपने बेटे को बचाऊंगा? महाराज, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपकी सहायता अवश्य करेंगे। Thank you.
यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। श्री बलराम, आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जल को एकाएक क्या हो गया, इतना खारा है कि गले के नीचे भी नहीं उतरता है। ये क्या कहते हो, ये कुआ तो अपने मीठे जल के लिए जाना जाता है। ये ठीक ही कह रहा है, सिर्फ ये कुएं का ही नहीं, गांव के सारे कुओं का जल एकाएक खारा पड़ गया है। आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है, एक के बाद एक विचित्र दुर्घटनाएं घटी जा रही हैं, और हर ओर जैसे उदासी और बदहाली छा गई है। हे भगवान, ये शनि ग्रह का प्रकोप है जो वृंदावन पर आ पड़ा है। क्या शनि देव का प्रकोप? जी हाँ नंद महाराज, वृंदावन वासियों को इसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन करना होगा। संकेत तो बहुत बुरा है। शनि की परिक्रमा को कोई नहीं टाल सकता। ये कौन है जो वृंदावन वासियों की आहुतियों का इस तरह अपमान कर रहा है? जाओ, इन बालकों का घमंड चूर चूर कर दो। मेरे आदेश की पूर्ति करो। अपना पंजा खोल। अब तुम स्वयं मेरा कहर देखोगे।
सारे फल खुद ही खा जाओगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे? है ना, तुम्हारे लिए भी है। अगर फल नहीं बचे तो हम तुम्हारे लिए और तोड़ लाएंगे। हाँ। कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से के फल पहले से ही अपने पास अलग से रख लिए हैं। लो। चलो कान्हा, घर चलो। देखो सूरज सर पर चढ़ाया है। मैया चिंता कर रही होंगी। मैया को तो सदा ही चिंता लगी रहती है। जिसके लल्ला के पीछे सदा राक्षस लगे हो, जिसका जीवन सदा खतरे में हो, क्या उसकी मैया को चिंता नहीं होगी? अच्छा बल्लाओ चलो, ना मैं मैया से तर्क में जीत पाता हूँ और ना आपसे। तो फिर शांति से हमारा कहा मान लिया करो, तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज्ञा बल्लाओ। आज तो बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। मैया की डांट से बचने के लिए अच्छा ये बात है। माधो, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी आई कृष्ण की रक्षक, तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा, और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई, जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? कृष्णा और बोले।